आज हम बतासे और टिक्की के शौकीन लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो टिक्की है वो कैसे बनाई जाती है। भाई साहब, आप बताएंगे कि आपने टिक्की जो बनाई है कैसे बनाई है? हाँ बताओ। आलू भून के बनाते हैं। अच्छा, ये टिक्की भून के बनाई गई है, तो सबसे पहले आपने क्या किया इसको? आलू उबाला होगा। आलू उबाले। हाँ ठीक। आलू उबाले के बाद मटर, चटनी, और जैसे आज बनाते हैं ना, ये देखिए चटनी कितनी प्यारी चटनी है, इमली की, शुद्ध इमली की चटनी है ये। उसके बाद कैसे क्या किया आपने? हाथ से गुलिया है, अरहर पड़ा, हमने आलू लिया, आलू लेने के बाद उसको उबाला, उबालने के बाद काछे, काछे के बाद उसको अरहर मिलाए, उसके बाद गुलिया है टिक्की, गुलाने के बाद टिक्की तेल में फ्राई किए, फिर चटनी बनाए, चटनी बना के फिर मटर, फिर वो तेल तल के, जैसा बहुत लोग तेल तल के मांगते हैं वो लोग भून के ऐसे बनाते हैं टिक्की। तो ये देखिए भाई साहब ने जो टिक्की बनाई है, भून के टिक्की बनाई, बहुत ही प्यारी टिक्की बनी है, और ज़्यादा महंगी ही नहीं है, मात्र 20 रुपये पड़ता है, बहुत सुंदर। ये देखिए आपको कई तरह के नमक मिल जाएंगे। नमक भाई साहब कौन कौन से, जरा उंगली रख के बता दीजिए। एक ये भुजा, दोनों मसाला है, भुना मसाला, धनिया, मिर्च है, लाल मिर्च, ये नमक काला नमक है, काला नमक है, काला नमक में सब जीरा ही सब मिक्स है। अच्छा, ये सफ़ेद नमक, दो सफ़ेद नमक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद।